1 अप्रैल 2024 को इसराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी दूतावास पर हमला किया था, जिसमें ईरान ने कहा कि उसके इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के 3 वरिष्ठ कमांडरों समेत 7 सैन्य सलाहकार मारे गए। ईरान के 7 बड़े अधिकारियों की मौत के बाद से ईरान तिल मिलाया हुआ है और उसके राष्ट्रपति समेत सभी बड़े नेताओं ने इसराइल को इस हमले का अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। ईरानी सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई ने कहा कि इसराइल को दंडित किया जाना चाहिए और ये किया जाएगा। ये ईरानी धरती पर हमले के समान था, लेकिन इसके जवाब में इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा था कि अगर ईरान अपनी जमीन से इसराइल पर हमला करता है तो इसराइल भी उसके ऊपर हमला करेगा। और तभी से मिडिल ईस्ट में एक नए युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। और अब इसी कड़ी में AFP न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरान समर्थित लेबनान के हिजबुल्ला ने शुक्रवार 12 अप्रैल को इजरायली आर्टिलरी साइट पर दर्जनों कत्यूशा रॉकेट लॉन्च किए हैं। हिजबुल्ला ने कहा कि यह हमला दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के गढ़ों को निशाना बनाकर हाल ही में किए गए इजरायली हवाई हमलों के जवाब में था। हिजबुल्ला के अनुसार उसके लड़ाकों ने दक्षिणी लेबनानी गांवों और नागरिक घरों पर हाल ही में इजरायली एयर स्ट्राइक के बदले में दुश्मन के ईन जतीम बेस को दर्जनों कत्यूशा रॉकेट से निशाना बनाया है। हिजबुल्ला का ये हमला ऐसे वक्त हुआ है जब सीरिया में ईरानी दूतावास के हमले के कारण इसराइल और ईरान के संबंध सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। ईरान किसी भी वक्त इसराइल पर मिसाइल या ड्रोन अटैक कर सकता है, या फिर वो सीधे हमला ना करके उसके प्रॉक्सी हिजबुल्ला से इसराइल पर कोई बड़ा हमला करवा सकता है। इसलिए हिजबुल्ला की ओर से किया गया ये हमला ईरान के उसी समर्थन की ओर इशारा करता है। हालांकि जब से इसराइल ने गाजा में अपनी जमीनी कार्रवाई शुरू की है, तभी से हमास के समर्थन में हिजबुल्ला उत्तरी बॉर्डर पर लगातार हमले करके इसराइल को दहला रहा है। हाल ही में हुए हमले को लेकर इसराइली प्रतिक्रिया भी आई है। इसराइली डिफेंस फोर्स ने अपने बयान में एक्स पर लिखा कि ईरान की ओर से हमले की आशंका के बीच चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला ने इसराइल के ऊपर 40 से अधिक रॉकेट दाग दिए हैं। इसराइली रक्षा बलों ने बताया कि इस हमले में कोई मारा नहीं गया है। रक्षा बलों ने इस हमले का वीडियो जारी किया है। उत्तरी इसराइल के गलीली में हुए इस हमले के दौरान हिजबुल्ला के 2 ड्रोन को इसराइली सेना ने मार गिराया। इससे पहले IDF के प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हैगरी ने एक बयान में कहा कि चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हारजी हलेवी ने इसराइल पर ईरान के हमले के खतरे पर US सेंटकॉम प्रमुख जनरल माइकल एरिक कुरीला के साथ स्थिति का आकलन किया है। उन्होंने कहा कि संभावित ईरानी हमले की कड़ी चेतावनी के बीच नागरिकों के लिए निर्देशों में अभी भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। हम पिछले 6 महीने से युद्ध में हैं। हमारा बचाव पक्ष तैयार है और जानता है कि प्रत्येक खतरे से व्यक्तिगत रूप से कैसे निपटना है। हम इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए विभिन्न क्षमताओं के साथ हमले के लिए भी तैयार हैं। डेनियल से ईरान पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि ईरान तनाव बढ़ा रहा है, क्षेत्रीय तनाव बढ़ाने पर जोर दे रहा है। हम जानेंगे कि ईरानी खतरे से कैसे निपटा जाए। हम अच्छी तरह से तैयार हैं और जानते हैं कि किसी भी चीज का जवाब कैसे देना है। इसके साथ ही इसराइल के लिए अपनी प्रतिबद्धता दर्शाते हुए अमेरिका ने अपने विमान वाहक पोत USS आइजनहावर को लाल सागर के मध्य से उत्तर में इसराइल की ओर भेज दिया है, जिससे कि ईरान द्वारा दागी गई मिसाइलों और ड्रोन्स को रोका जा सके।